क्वेश्चन आफ्टर एंड बिफोर नंबर्स लिखने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों को। 55, 55 से बिफोर क्या हो जाता है? 54। 68 से पहले 67। 38, 37। नेक्स्ट है आफ्टर नंबर, जब इधर नंबर लिखा हुआ हो और इधर बॉक्स खाली हो तो आफ्टर नंबर हम समझ सकते हैं। 79, 80, 1818, 19, 30, 30, 31। हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट मैथ की रिवीजन बॉक्स सेट फॉर फाइनल एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम के लिए बच्चों को आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ द बीट्स ऑन द एबेकस। एबेकस की तरह इसमें बीट्स बनानी है। 4 2 4 हमारा क्या है? 10 पोजीशन पे है और 2 वंस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे 1 और 2 2 बीट्स हो गए और 4 की जगह पे 4 बीट्स, 1 2 3 4। नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ 4 है तो 4 बीट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पे 8 हैं तो 8 बीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बिट्स बनाएंगे, 1 2 और इधर हो जाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पुट साइन ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू। तो चलिए इसको देखते हैं। 60 60, तो दोनों क्या हो गया यहाँ पर? इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल की साइन हो जाएगी। 64 24, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट दोनों सेम है जबकि सेकेंड डिजिट ये 2 है और ये 6 है। 6 हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। 64 ग्रेटर देन 24। नेक्स्ट इसी प्रकार फर्स्ट डिजिट में हम यहाँ पर देखते हैं 2 एंड 5, ठीक है, एंड 7 एंड 8। तो यहाँ पर हो गया 85 ग्रेटर देन है तो दिस इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट 41 93। 4 यहाँ फर्स्ट डिजिट में देखेंगे, 9 यहाँ ज़्यादा बड़ा हो रहा है और 1 छोटा हो रहा है, 3 ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से ही पहले क्लियर हो जाता है। जनरली हम फर्स्ट डिजिट में पहले देखते हैं फिर सेकेंड डिजिट पे जाते हैं। तो फर्स्ट डिजिट में 9 हमारा बड़ा है तो दिस इज ग्रेटर देन, या यहाँ पे हम इस प्रकार लिख सकते हैं लेस देन। 41 लेस देन 93। जिस तरफ का नंबर बड़ा होता है ये बॉक्स उस तरफ खुला रहता है, इस तरह भी हम समझ सकते हैं। 20 इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पैटर्न 50 60 70। सब में 10 10 बढ़ रहे हैं तो 50 60 70 80 एंड दिस इज 90। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीटिंग द टेबल फिलिंग इन द मिसिंग नंबर्स। इसमें जो बॉक्स खाली है, जो रेड से हमने लिख दिया है वो खाली बॉक्स है। तो यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये बॉक्स फिलअप है जिसको मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स, नेम लिखने के लिए आ सकते हैं। 22 94 54 72, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी द बिलो एंड आंसर द ट्रू और फॉल्स। ए 72 इज इक्वल टू एस आई एक्स टी और 60, दिस इज फॉल्स। बी 43 4 10s and 3 1s, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट सी द नंबर्स बिफोर 78 इज 79, रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। 78 से पहले 79 नहीं आता है तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन में 22 लिखा रहेगा, बच्चों को इसको एक्सपेंड फॉर्म में 20+2 करके लिखना है। उसी प्रकार 34 30+4, 55 50+5 एंड 49 40+9।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम, इस प्रकार का मैच द कॉलम आ सकता है, यहाँ नंबर्स नेम एंड नंबर्स लिखे रह सकते हैं। 49, यहाँ पे 49 कौन सा है, तो दिस इज 49। 39, दिस इज 39। 86 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रकार का एक घड़ी बना रहेगा जिसमें लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम, यहाँ पे टाइम बच्चों को लिखना है कि टाइम क्या हो रहा है घड़ी देखकर, तो दिस इज यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है 8 o'clock, तो यहाँ लिखाएगा 8 o'clock। इसी प्रकार क्लॉक से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ये रहते हैं कि यहाँ पर नीचे टाइम दिया रहता है, बच्चों को हैंड बनाना है, 11 o'clock का हैंड बनाना है, तो इसका ये इस प्रकार बन जाएगा, बड़ी वाली हैंड्स जो होती है बड़ी होती है 12th पे हो गई और छोटी वाली जो है 11th पे हो गई, तो दिस इज 11 o'clock, ये हैंड्स बच्चों को इस तरह ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार टेंस और वंस पोजीशन बच्चों को पता हो जाता है तब तक, तो टेंस एंड पोजीशंस दिए रहते हैं, इस प्रकार उन्हें सम करना होता है, तो 7 + 2 दिस इज 9 और 1 0 1, तो 1 9 19 यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट 5 और 5 10 के 0 1 कैरी ऑन हो गए, तो 1 0 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितने हो गए 10। नेक्स्ट 3 and 2 5 and 1, ये क्या है हमारा प्लस है। नेक्स्ट ये माइनस है सब्सट्रैक्शन, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने होंगे 7। बच्चे इस प्रकार लाइनिंग ड्रॉ करके कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 क्रॉस हो गए, तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह बच्चों को आप बता सकते हैं। सॉरी 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 3 गया -5 होगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो फाइनल एग्जाम में बच्चों से पूछे जा सकते हैं, जो आप इसे तैयारी करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।